हेलो एवरीवन, आज हम मसाला स्वीट कॉर्न बना रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। ये रेसिपी बनाने के लिए हम एक स्वीट कॉर्न ले रहे हैं। आप नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से इसके सीड्स निकाल लीजिए। ये बहुत ही सिंपल तरीके से इसके जो सीड्स है ये निकल जाते हैं। ये जो मेथड है इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और जो सीड्स के साथ जो भुट्टे का कवर निकल रहा है वो भी इजीली निकल जाता है। हमने कॉर्न के सारे सीड्स अलग कर लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई ले रहे हैं और इसमें हमने एक चम्मच नमक डाला है। आप नमक को पानी में अच्छे से मिला लीजिए। अब हम इसमें कॉर्न के सीड्स डाल रहे हैं। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें इसे एक बॉईल तक ही पकाना है। और ये देखिए, इसमें अच्छे से एक बॉईल आ चुकी है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। आप इस तरह से जो सारे सीड्स हैं उन्हें निकाल लीजिए और इस प्रोसेस में जो सीड्स रहते हैं उनके साथ साथ जो उनका कवर रहता है वो भी अलग निकल जाता है। अब हम एक पैन ले रहे हैं, इसमें हमने एक चम्मच बटर डाला है। आप चाहे तो इसमें घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारे बॉइल्ड कॉर्न थे हम इसमें डाल रहे हैं, इसे हम हल्का सा मिला रहे हैं। ये जो हमारी चाट है ये बहुत ही हेल्दी होने वाली है, इसलिए आप इसमें अपने पसंद का कोई भी सब्ज़ी का डाल सकते हैं। इसमें हम दो चम्मच कैरेट डाल रहे हैं, इसमें हम दो चम्मच शिमला मिर्च डाल रहे हैं, इसमें हम तीन से चार बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रहे हैं, हम इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल रहे हैं। इसमें जो वेजिटेबल्स की क्वांटिटी है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम दो टेबलस्पून टमाटर डाल रहे हैं और लास्ट में हम इसमें धनिया पत्ता डाल रहे हैं। ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिला लीजिए, हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। तो हम इसमें मसाले डाल रहे हैं। 1/4 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च डाल रहे हैं, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा कटा हुआ लेमन का जूस हम इसमें स्क्वीज कर रहे हैं। आप इसमें मसाला भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसे अच्छे से मिला लीजिए। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून ऑर्गेनो डाल रहे हैं और इसमें हम 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं। ये जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम टू लो में ही रखा हुआ है। आप इसे अच्छे से मिला लीजिए और जो हमारी स्वीट कॉर्न चाट है ये बन गई है। अब गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और लास्ट में हम इसमें कुछ टमाटर डाल रहे हैं, कुछ प्याज डाल रहे हैं, थोड़ा हरा धनिया पत्ता डाल रहे हैं। इससे जो इसका फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। और ये हमारी गर्मा गर्म चटपटी स्वीट कॉर्न चाट सर्व करने के लिए रेडी है। आप चाहे तो जो हमने लास्ट में टमाटर, धनिया और प्याज डाला था वो स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।